अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद देश में बढ़ रहे डीजल व पेट्रोल के दामों तथा प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत पर दी जाने वाली सब्सिडी को वापस लेने पर कांग्रेस भड़क गई है। इसी के चलते जिला कांग्रेस अध्यक्षा अंजना धीमान के नेतृत्व में कांग्रेस ने डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया तथा इसके बाद डीसी कार्यालय परिसर में करीब 2 घंटे सांकेतिक धरना भी दिया। धरने के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के विरुद्ध जमकर गुब्बार निकाला। धरने को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव राजेश धर्माणी, पूर्व विधायक डॉक्टर बीरू राम किशोर, तिलक राज शर्मा, जिलाध्यक्ष अंजना धीमान, पवन कौशल, सुनील शर्मा, संदीप संख्यान, जिला परिषद अध्यक्ष अमरजीत सिंह बंगा व भगत सिंह वर्मा ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो उसके नेता राजघाट पर महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल पर गैस सिलेंडर व पेट्रोल की बोतलें लेकर धरना प्रदर्शन करते थे। भाजपा नेत्रियां तो गले में सब्जियों की माला पहनकर प्रदर्शन करती थी, लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 35 से 45 रुपए प्रति बैरल है तो देश में डीजल के दाम तो पेट्रोल से भी ज्यादा हो गए हैं। देश के इतिहास में ये पहला मौका है जब डीजल के दाम पेट्रोल से ज्यादा हुए हैं। उन्होंने कहा, यूपीए शासनकाल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 65 से 75 रुपए प्रति बैरल रहे, लेकिन उस समय भी डीजल 42 रुपए बिका। उन्होंने कहा कि आज भाजपा नेताओं को ये बढ़े हुए दाम नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पदार्थों में हुई इस अप्रत्याशित वृद्धि के कारण महंगाई आसमान छूने लगी है और आने वाले समय में लोगों को महंगाई के कारण खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। कोरोना संकट से जूझ रहे लोग पहले ही बहुत तंग हैं और अब ऊपर से बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रदेश सरकार ने भी लोगों को कोरोना संकट में झटका दिया। प्रदेश सरकार ने चोर दरवाजे से बिजली की सब्सिडी को बहुत ही सुनियोजित ढंग से समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग द्वारा हर महीने बिजली का बिल नहीं दिया जाता है, विभाग 2-3 महीने का बिल इकट्ठा देता है, जिस कारण किसी भी प्रदेशवासी की मीटर की रीडिंग 125 यूनिट से कम नहीं आएगी। ऐसे में लोगों को बिजली की महंगी दर देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार कोरोना संकट के इस दौर में अपनी बातों को थोपने के लिए इसे अवसर मान रही है। सभी वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों के हितों से खिलवाड़ नहीं होने देगी तथा जरूरत पड़ने पर बड़ा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय कोरोना वायरस के चलते सामाजिक दूरी का नियम जरूरी है, जिस कारण ज्यादा भीड़ एकत्रित नहीं की जा सकती है और सरकार इसी बात का फायदा उठा रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना का संकट ना होता तो आज देश के हर गली मोहल्ले में सरकार के तुगल की फरमानों का विरोध होता। आज हमने जिला बिलासपुर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महामहिम को ज्ञापन सौंपा, जो कि देश में बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमान छू रही है। 20-21 दिनों से जो है लगातार पेट्रोल और डीजल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोगों को बहुत तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आज तक इतनी महंगाई कभी नहीं हुई थी जितनी की आज भाजपा सरकार के राज में हो रही है। और हमारी एक यही मांग है कि ये जो इतनी महंगाई बढ़ रही है डीजल और पेट्रोल की, इनके दामों को कम किया जाए और ये जो बिजली के बिल के ऊपर जो सब्सिडी थी वो भी बंद कर दी है, इसके ऊपर भी सरकार जो है वो सोचे। और जनता जो है वो बहुत आज दुखी है क्योंकि भाजपा सरकार ने जो है महंगाई, आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ रखा है पेट्रोलियम पदार्थों के जो लगातार पिछले 22 दिनों से वृद्धि हो रही है और जिससे आम आदमी के जनजीवन जो है उस पर विपरीत असर पड़ा है। लगातार रेट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर देखें तो कम हो रहे हैं और यहाँ तक कि पानी से सस्ता आज कच्चा तेल का रेट है, लेकिन भारत सरकार के जो है लगातार इसमें टैक्सों में बढ़ोतरी कर रही है और जिसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट चाहे डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, लगातार इसमें महंगी हो रही है और इसका असर सिर्फ
पेट्रोलियम पदार्थों तक नहीं है, क्योंकि डीजल का रेट जब बढ़ता है तो कैरेज का रेट बढ़ता है और उसका असर जो है वो हर चीज़ की कीमतें बढ़ने पे पड़ता है, और हर चीज़ की कीमत बढ़ती है तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। और इस समय कोरोना महामारी फैली है, लोगों के रोजगार छीने हैं, कई जो है जिनके प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां करती थी उनके वो बेरोजगार हो गए हैं, स्वरोजगार जिन्होंने छोटा मोटा शुरू किया था वो उनके काम धंधे बंद हो गए हैं। लेकिन ऐसे माहौल में सरकार राहत देने की बजाय उल्टा जो है उनके ऊपर महंगाई की मार डाले, तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार निरंकुश है और लोगों के प्रति कोई संवेदना इनके दिल में नहीं है और सिर्फ पूरी भाषणबाजी देकर जो है लोगों के जो जख्म हैं उनको मरहम लगाने की कोशिश करती है। लेकिन अब लोग सच्चाई जान चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, आज वो सारे के सारे वायदे धराशायी हुए हैं। जितने जब ये विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो थोड़ा सा भी अगर बढ़ोतरी, हालांकि उसमें कच्चे तेल की रेट जो थी आज के मुकाबले 3-4 गुना ज़्यादा थे, तो अगर थोड़ी सी भी बढ़ोतरी अगर उसमें होती थी तो बड़ी हायतोबा मचाते थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग आज सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, और आज उनका आचरण जो है वो उस समय के बिल्कुल विपरीत है। तो अब अगर नहीं समझेंगे तो कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन जो है और उग्र करेगी और इनको मजबूर करेगी कि ये जो ये बढ़ोतरी हुई है उसको जो है वापस लें और टैक्सेस कम करें और लोगों को राहत दें। थैंक यू सर।